सबसे पहले बात करते हैं ये आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, इसका हम क्या इलाज करें। तो डार्क सर्कल्स जो है कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से आ जाते हैं। तो क्या खाना है, आपको दिन में कम से कम 2 एप्पल जरूर खाने हैं। 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर भी आप पी सकते हैं, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। और रोज नींबू पानी तो पीना ही है। इसके साथ साथ अदरक की चाय भी पिया कीजिए। ग्रीन टी दिन में 2 बार पीनी है। आंखों से जुड़ी कुछ और खास बातें भी हम करते हैं। अगर आपको रात को कम दिखाई देता है, कई बार होता है ना, बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं, ड्राइव करते हैं, रात को घबराहट हो जाती है, अगर रात को आंख से कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बॉडी में विटामिन ए की कमी है। बिल्कुल नटशेल बात है। तो रात को नोटिस करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रात को कम दिखता है। ऐसे में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए। और जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आजकल तो सीज़न है, पालक, गाजर, आप ये चीज़ें खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं। आप पीले या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स को भी ज़रूर खाइए जिनमें विटामिन ए होता है। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, दूध ज़रूर पीनी है। और आंखों से अपनी सेहत की और कुछ बातें मुझसे जानें। आंखों की ब्लड वेसल्स का लाल दिखना, मतलब रेड रेड आईज दिखना, यानी कि विटामिन सी की कमी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको खट्टे जूसी फ्रूट्स जैसे आंवला, ऑरेंज, अंगूर, टमाटर, एप्पल, बनाना, ये चीज़ खानी चाहिए। सब्जियों में बंद गोभी, हरा धनिया, कटहल, शलगम, पालक, ये खाइए। अब आपको एक और खास बात बताती हूँ, आपकी और मेरी, हम सबकी आंखों से जुड़ी हुई, वो ये कि आप पास की चीज़ों को अगर साफ नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या खाना है, धूप के समय थोड़ा ज़रूर आपको बाहर बैठना है, मशरूम की सब्ज़ी लेना शुरू कर दीजिए, गाय का दूध पिया करें और गाय के घी का इस्तेमाल किया करें, तो नॉर्मल घी की बजाय गाय का दूध और घी। और आंखों से एक और ख़ास बात बताती हूँ आपकी, आंखों के नीचे अगर पीलापन आ रहा है, ऐसे करते हैं और देखते हैं येलोइशपन है, तो इसका मतलब आयरन की कमी हो रही है। तो पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, शलगम, आप शकरकंदी ले सकते हैं। फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो आप वाटरमेलन, एप्पल, ग्रेप्स, किशमिश, अनार, ये सारी चीज़ें खाएं, आपका ब्लड बेटर होगा। आप खजूर और अखरोट भी खा सकते हैं, बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, आप बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट ये भिगो कर रख सकते हैं, या सुबह सुबह खाली पेट खाने से आपकी आंखें कमाल की ठीक हो जाती हैं। अगर आप मंडे को कोई बुरा सपना देखते हैं तो आप क्या करें, आप चावल, चीनी, वाइट फ्लावर्स, कोकोनट, गुड़, इसका दान किसी को दे दें और आपके बुरे सपने का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ट्यूसडे को बुरा सपना देखते हैं तो लाल मसूर की दाल, नारियल, गुड़ या फिर गुलाब के फूल आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। वेंसडे को अगर आप बुरा सपना देखते हैं तो साबुत मूंग, चांदी, ग्रीन लीव्स, सब्जी, गुड़, नारियल किसी को भी दे दीजिए। थर्सडे को बुरा सपना देखते हैं और वहम होता है तो चने की दाल, पीले फूल, हल्दी, गुड़ दे दीजिए। अगर फ्राइडे को बुरा सपना देखते हैं तो क्या करेंगे, तो वाइट फ्लावर्स, चावल, मिश्री, कोकोनट, धूप, ये सारी चीज़ें या इनमें से एक या दो चीज़ें भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सैटरडे को कोई बुरा सपना देखते हैं तो ब्लू फ्लावर, लोहा, गुड़, कोकोनट, या संडे को आप बुरा सपना देखते हैं तो क्या करें, तो आप दलिया, गुड़, नारियल, लाल फूल दान कीजिए और इन सपनों के बुरे इफेक्ट से, इन सपनों के नेगेटिव इफेक्ट से खुद को दूर रखिए।